उधर जम्मू में धमाके की साजिश में शामिल छपरा के जावेद की गिरफ्तारी के बाद अब से कुछ देर पहले अल बदर के आतंकी रहा हुसैन बट को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच सुरक्षा बलों ने काउंटर टेररिज्म का नया एक्शन प्लान भी तैयार किया है। देखिए, घाटी में आतंकी हमले और आतंकी अड्डों के खुलासे के बाद सुरक्षा बल अब नई रणनीति के तहत आतंकियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं। अनंतनाग में बड़े आतंकी अड्डे का पर्दाफाश होने और श्रीनगर के भगत चौक में पुलिस पर हमला होने के बाद घाटी में आतंक के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। अब शहर के निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होगा। आज CRPF SSB के कई अफसरान DIG और SSP लेवल के ऑफिसर्स ने शिरकत की और कुल मिलाकर इस बैठक में ऑफिसर्स ने इस बात पर जोर दिया कि आखिर इन हमलों को कैसा टाला जाएगा और क्या क्या रणनीति रहेगी कि अगर इस तरह के प्रयास मिलिटेंटो द्वारा श्रीनगर में किए जा रहे हैं तो वक्त पर उस पर कैसे सुरक्षा बल कार्रवाई करेंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने बिहार के छपरा जिले से आतंकियों को हथियार सप्लाई करने वाले जावेद अहमद को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी जम्मू में 7 किलो विस्फोटक बरामद होने से जुड़ी है। जावेद अहमद आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक को हथियारों की सप्लाई करता था। जावेद को जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू लेकर आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 26वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को हुनर हाट का उद्घाटन किया। हुनर हाट में देश भर के दस्तकार, शिल्पकार और कारीगर शामिल हुए हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि हुनर हाट ने हुनर को एक व्यवस्थित मंच देने का काम किया है। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने में ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसको जितना ही हम आगे बढ़ाते जाएंगे, अधिक से अधिक लोगों को जिनके पास हुनर है, जिनके पास कला है, जिनके पास प्रतिभा है, उनको काम करने का अवसर मिलेगा। सरकार का हुनर हाट के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अगले 3 साल में 80,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। हुनर हाट 1 मार्च तक चलेगा। इसकी थीम वोकल फॉर लोकल रखी गई है। ऐसे मौका हम भी नहीं छोड़ सकते, तो मैं मंत्री जी से मिला, उनके साथ लिया, उनका फॉर्म उठाया, उनके दफ्तर गया और हमारे उधर की सारे गांव की आर्टिसन को लेकर आया इधर। इस हुनर हाट में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी की पत्नी भी पहुंची हैं। उनका भी स्टॉल इस हुनर हाट में लगाया गया है। हुनर हाट में देश के अलग अलग राज्यों से 600 से अधिक महिला और पुरुष शिल्पकार शामिल हुए हैं। उधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हाट में हर राज्य की शानदार कला को मार्केटिंग करने का मौका मिल रहा है और रोजगार का रास्ता बन रहा है। 26वां हुनर हाट दिल्ली में उसका उद्घाटन हो चुका है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, सी ऑफ कर रहे हैं। सर, मेहमानों को सी ऑफ कर रहे हैं और इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं। 26वां शिल्प हाट, हुनर हाट, क्या विशेष है इस बार? देखिए, ये लगभग 31 राज्यों के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर यहाँ पर आए हुए हैं और हर राज्य की अपनी जो शानदार जानदार विरासत है उसको मौका मिले, मार्केट मिले, इस काम में इसके लिए जो है वो एक बहुत ही परफेक्ट और प्रमाणिक प्लेटफॉर्म हुनर हाट साबित हुआ है। 8 लाख से ज़्यादा रोज़गार दे चुके हैं और जब देश 75वीं आज़ादी का वर्षगांठ मना रही होगी तो 75 हुनर हाटों को पूरा करके 7,50,000 से ज़्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार। अंतिम सवाल, आपने सिर्फ यहाँ अलग अलग राज्यों के जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं वो तो लाए हैं लेकिन वहाँ का टेस्ट भी आप लेकर आए हैं, तो लोगों से क्या अपील करेंगे? कला भी है, संस्कृति भी है और जो है वो क्राफ्ट भी है। उधर महाराष्ट्र के पूर्व राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह ने मुंबई में परिश्रम संकल्प यात्रा निकाली। पूर्व मंत्री ने बताया कि इस यात्रा का मकसद उत्तर भारतीयों के बीच भरोसा कायम करना है। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के बीच भरोसा मजबूत करने के मकसद से महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री और उत्तर भारतीयों के बीच चर्चित नेता कृपा शंकर सिंह ने मुंबई में परिश्रम संकल्प यात्रा निकाली। वकोला पहुंचने के बाद कृपा शंकर ने लोगों से मुलाकात की और कहा कि इस तरह का कार्यक्रम करने से आपसी आत्मविश्वास बढ़ता है। चुनाव आएगा 1 वर्ष के बाद, हम चुनाव के समय क्यों जाएं? तो मैंने एक तय किया कि हमारी जात है परिश्रम, हम परिश्रमी लोग हैं, हमारा समाज है परिश्रमी, हम एक लक्ष्य बनाए कि 1 लाख घरों तक जाएंगे। कृपा शंकर सिंह ने कहा कि ये यात्रा सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि वसई विरार, ठाणे और नवी मुंबई तक निकाली जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के दिन कृपा शंकर भोजपुरी भाषा में भी बात करते दिखे और ये यात्रा हमारी अभी
आज कलीना इसलिए सो कि कलीना के उत्तर भारतीय समाज के लोगों ने, अन्य समाज के लोगों ने बड़ा अपनापन दिया, बड़ा प्यार दिया है और आज भी दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा पहले घर में दिया जलाओ फिर आगे जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे कृपा शंकर सिंह जो बता रहे थे कि किस तरह से ये जो परिश्रम संकल्प यात्रा निकाली जा रही है वो कैसे आगे बढ़ेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।